जो मैंने पेस्ट बनाया है इसकी हम लोग स्लैब्स बनाएंगे। पेस्ट जो है आपने पहले सबसे पहले जो है कोई नीचे शीट बिछा देनी है जैसे प्लास्टिक कवर वगैरह, क्योंकि ज़मीन के साथ स्लैब्स सिमट जाती हैं तो जब उठाने लगो तो टूट जाती हैं, जबकि प्लास्टिक कवर के ऊपर ऐसा नहीं होता। ये जो मैंने पेस्ट बनाया है ये देखें, चाहे छोटी स्लैब बनानी है। अब ये पेस्ट देखें कितना रनी सा है, यानी कि ये बहुत ड्राई नहीं है। ड्राई होता तो फिर ऐसे स्लैब्स नहीं बन सकते थे। आप जितनी चाहे मर्जी बड़ी या छोटी स्लैब बना सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले छोटी बनाती हूँ, आई होप के कैमरे में आपको नज़र आ रही हो। जितना फैलाएंगे उतनी बड़ी हो जाएगी। अगर आपने इसको थोड़ा सा मोटा करना है तो ऊपर आप ऐसे और डाल सकते हैं। स्लैब्स बड़ी भी कर सकते हैं ऐसे, जितनी बड़ी आप बनाना चाहें। जैसे मैं कहती हूँ रोटियाँ, आई होप आपको नजर आती होंगी। मैं उठकर देखें बिल्कुल, ये मैं उठाकर आपको दिखा देती हूँ। इस तरह ये जो पेस्ट था ये वाला, इस पेस्ट की मैंने ये स्लैब्स बनाई हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर ना कुछ समझ आए तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है कमेंट सेक्शन में। और इस टेक्सचर की मैंने फर्स्ट टाइम स्लैब्स बनाई है। मे भी ये नमल जो है, क्योंकि मैं मेरे यूज़ करने के बाद जो है नमल टेक्सचर यूज़ करेंगी तो मे भी वो तोड़ें, तो इंशाल्लाह रिजल्ट आप देख लेंगे उनकी वीडियोज़ में, अगर बारिश वगैरह या कुछ इस तरह का सीन ना हुआ तो। ये ग्रिटी रेड डर्ट थी, ये भी आपको बता दूँ। और आई होप कि ये सॉफ्ट होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को थम्स अप कर दीजिएगा। गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।